हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दो तीन दिनों से बराबर लगातार बारिश हो रही है, तो उस वजह से कुछ हमारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी मिलने से वो गलने लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है स्नेक प्लांट, और स्नेक प्लांट जो हैं ज़्यादा पानी यानी कि ओवर वाटरिंग से ये गलने लगते हैं। तो लगातार बारिश से ये प्लांट जो हैं हमारे ये गल सकते हैं, तो इनको हम इंडोर में रखेंगे। इंडोर में अगर जगह नहीं है तो आप इस तरह से पॉट को पलट कर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा स्नेक प्लांट है, और इसमें ओवर वाटरिंग ना हो इसलिए हमने इसको इस तरह से पलट कर रख दिया है। तो इसमें अब पानी बारिश का जो पानी है वो इसमें नहीं जाएगा और हमारा जो प्लांट है वो गलेगा नहीं। ये आप देख रहे हैं ये है जेट प्लांट, तो जेट प्लांट को भी अगर हम बराबर बारिश में रखा रहने देंगे तो इनकी जो रूट्स हैं वो भी गल जाएंगी, उनकी जो पत्तियां हैं वो पीली होकर झड़ने लगेंगी। तो इन्हें भी हम इंडोर में ही रखेंगे। कुछ प्लांटर हैं आप देख सकते हैं, तो इनको भी हमने इस तरह से पलट कर रख दिया है, तो इनमें बारिश का पानी नहीं जाएगा। कुछ हमारे पॉट्स ऐसे हैं जिनको हम पलट कर नहीं रख सकते, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसको हम पलट कर नहीं रख सकते हैं। पलट कर रखने से इसकी जो स्टेम है वो टूट सकती है। तो इस तरह के जो हमारे पास पॉट हैं इनको हम इंडोर में रख देंगे। इंडोर का मतलब है ये कि हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर रोशनी आती हो, बंद कमरे में या अंधेरे में इनको अगर हम रखेंगे तो हमारे जो प्लांट हैं ये गल जाएंगे, तो हमारे जो प्लांट हैं वो सूख सकते हैं, मर सकते हैं। तो ऐसी जगह पर भी नहीं हमें रखना है। ये हमारा आप पॉट देख सकते हैं, ये मिट्टी का है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं पानी भर गया है क्योंकि इसमें ड्रेनेज होल नहीं है। तो इसको भी हम इस तरह से पलट कर रख देंगे ऐसे, तो इसमें बारिश का पानी नहीं जाएगा, तो हमारा ये प्लांट जो है ये सूखेगा नहीं, क्योंकि ये जो पर्सलेन है या मॉस रोज है इसे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इसको बराबर बारिश के पानी में रख देंगे तो ये भी हमारा प्लांट जो है वो गल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं ये गुल मेहंदी के प्लांट हैं, इनको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी जो स्टेम होती हैं आप देख सकते हैं इनमें कितना पानी भरा होता है, तो इन्हें भी ओवर वाटरिंग से ये प्लांट जो हैं ये भी गलने लगते हैं। तो इन्हें हमने लगा दिया है पॉली बैग में, और पॉली बैग में हमने बड़े बड़े से ड्रेनेज होल कर दिए हैं जिसकी वजह से इसमें पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी रुका नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं ये है अजवाइन का प्लांट, तो इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे भी अगर हम पानी में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो हैं वो गलने लगेंगी। इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी हैं, तो इनमें बहुत ही पानी स्टोर है पहले से ही। और एक ये हमारा प्लांट है, तो इसका नाम हमें नहीं मालूम है, और इसकी भी इसे भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो इसको भी हम इंडोर में ही रख देंगे। इसी तरह के यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं, अब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।